We are here at Nahalagan, and from here you can see it's a Borum Bridge, much awaited project of capital Itanagar. From Itanagar, if you want to come to Nahalagan, you can use this arc bridge. It's a two-lane steel bridge. This bridge will connect Itanagar to Nahalagan and also ease the traffic congestion. The bridge is 90 meters long, and initially 5.49 crore has been sanctioned for this bridge for a single lane, but now two lane has been constructed, and you can see behind me there is a footpath 90 meters long and a much awaited project of capital Itanagar. This bridge has been opened for light motor vehicles. The inauguration is still awaited here. Commuters are travelling here. Yuvraj Mehta for India Today. Sir, पहले तो ये नदी क्रॉस कर रहे हैं बहुत तकलीफ था. अभी बहुत ये एक्चुअली पहले बनाना चाहिए था. इतना साल से बनाना जल्दी बनाना चाहिए था. अभी अभी अच्छा लग रहा है. बहुत खुशी हुआ. इटानगर से जो नालागन जाते हैं. हाँ अभी अभी तरफिक से थोड़ा ये है. हम लोग दो चक्का के लिए तो शॉर्ट का ठीकी लग रहा है. हाँ टाइम और से तेल बचेगा. तेल तेल शॉर्टकट के लिए तो अच्छा है. पहले बनाना चाहिए था वही देख रहा था हम लोग का ना. हाँ जल्दी बनाना है ठीक है वही सोच रहा था. अभी अच्छा है बनाए. कैसा लगा ये बनाने का डिजाइन कैसा लगा? हाँ ठीक मजा लग रहा है देख के ना. बहुत अच्छा लग रहा है. आपका नाम? नंगराम तसर. बहुत अच्छा हो गया बहुत अच्छा हो गया. ये ब्रिज हो गया हम लोग का पैसा भी बचत हो रहा है. नहीं तो बाईपास से ना बहुत पैसा हम लोग का जाता था. हाँ बहुत सुविधा मिलेगा. बहुत फायदा हो रहा है और ये ट्रैफिक भी बहुत फ्री मिल रहा है. अभी पहले आप किसे आते थे? पहले ऐसे घूम घूम के जाता था और ट्रैफिक बहुत रश होता था. अभी तो ये बाईपास हो गया तो बहुत अच्छा लगा ये खुलने का. अभी मैं बोरूम से आ रहा हूँ. हाँ नालागन जा रहा है ए सेक्टर में. ये नहीं होता तो अभी बहुत सुविधा मिलेगी कैपिटल. हाँ बहुत मिल रहा है सुविधा. आप अप डाउन करते रहते हैं? अप डाउन करते रहते हैं. आपका नाम? हाँ दुई शर्मा. हमारे साथ हैं अरुणाचल की कैपिटल के विधायक तेची कासो जी. और अभी अरुणाचल प्रदेश में ये कैपिटल को एक बहुत ही सुंदर एक आर्क ब्रिज स्टील ब्रिज मिला है. डबल लेन ब्रिज. और ये बोरूम का जो ब्रिज है काफ़ी सालों से पेंडिंग था. आज कंप्लीट हुआ और दो जो लाइट व्हीकल्स हैं उसको क्रॉस करने की इजाज़त मिली है. बड़ी व्हीकल्स नहीं चल रही और कुछ ही दिनों में इसका उद्घाटन भी होगा. और ये ब्रिज से इटानगर से नाहरलगुन की दूरी जो अगर बोरूम होके लोग जाएंगे तो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा. ट्रैफिक से कंजेशन कम होगी और बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिल रही है. और ये ब्रिज आखिरकार कई सालों के बाद ये ब्रिज अब कंप्लीट हुआ है. लोग भी आज गाड़ियों के साथ इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं. काफ़ी लोग फोटो खींचने आ रहे हैं सुंदर ब्रिज की स्टील ब्रिज की. तो हमारे साथ ये लोकल विधायक हैं जो तेची कासो जी बताएंगे. सर ये ब्रिज जो बन गया है कितने टाइम से था पेंडिंग? तो ये ब्रिज बनने में समय तो लगा क्योंकि एक जब भी कहीं भी अगर कोई अगर नया चीज़ लगने अगर लगता है तो थोड़ा बहुत समय लग जाता है. और ये आर्च ब्रिज जो है और इटानगर नाहरलगुन का बीच ट्विन कैपिटल में ये पार्स होगा. और डबल लेन में अगर कहा जाए तो इंतर अरुणाचल में ये पहला ब्रिज होगा जो सिंगल लेन तो कहीं भी बना होगा लेकिन ये डबल लेन का लिए थोड़ा टाइम भी लगा. और इसमें ये ब्रिज का बारे में हम लोग काफ़ी चर्चा हुआ काफ़ी मीडिया में आया. हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ हर साल में हर महीना में कुछ ना कुछ बोलता है लेकिन इसमें मैं पब्लिक अगर कुछ भी बोलता है कुछ भी गाली भी देता है कुछ भी अपना दिल दिमाग से जो भी सोच विचार होता है उसका बारे में अगर पब्लिक कोई भी अगर मुझ पे डिपार्टमेंट में अगर कुछ भी कहता है उसका हमें नाराज नहीं है. क्योंकि नाराज नहीं है बोलने से क्योंकि इस ब्रिज को बनाने में समय लगा. समय इसलिए लगा कि बीच में हम लोग का आप सभी जानता है कि कोरोना एक तो 2 साल का लगभग में कोरोना आया. उसमें काम करने का दिक्कत काफ़ी आया. लेबर नहीं रहा और ये जितना भी काम करने वाला जो है कलकत्ता से हाँ बाहर स्टेट से आता है और उसमें एक्सपीरियंस वाला तो हमारा अरुणाचल में ऐसे कोई लोकल लड़का तो है ही नहीं है. सब बाहर से आता है. उनका लिए स्पेशल मंगाना पड़ता है. लेकिन इसमें कभी कभी हमारा जो यहाँ का नौजवान है यहाँ का कुछ माता पिता लोग जो है और बहुत लोग जो करीब में जो क्लोज वाला लोग जो है वो समझने का कोशिश करता है. और जो यहाँ नहीं रहता है अपना गांव में रहता है तो उन लोग आकर कभी कभी उल्टा सीधा बुक भी देता है. उसका भी मैं नाराज़ नहीं है लेकिन ये हम लोग को
ब्रिज बनने में टाइम तो लगा, और इसमें काफ़ी सच बोलो तो एक जो है डिजाइन को लेकर, आर्ट ब्रिज का डिजाइन को लेकर, वो डिजाइन बनाने में भी काफ़ी समय लगा और वो टेक्निकल पार्ट में। और जब ये ब्रिज जब कंक्रीट हुआ, जब उसमें अभी ख़त्म हो गया, ख़त्म होने का बाद में उसमें छोटा छोटा चीज़ टेक्निकल पार्ट रह गया। और अभी जो कल उन लोग जो कल से उन लोग चौथा गाड़ी को उन लोग खोल दिया गया है इंजीनियर डिपार्टमेंट ने, इसमें और भी अभी टेक्निकल पार्ट कुछ पार्ट थोड़ा बहुत बाकी होगा। तो ये लोग चौथा गाड़ी को अगर क्रॉस करने का बाद फिर उसको देखेगा कहाँ कहाँ उसमें क्या एडजस्ट करना होगा, वो बहुत बड़ा ब्रिज है उसको हो उन लोग ट्राई करेगा, उन लोग जो है उस हिसाब में मिलाने का बाद ये शायद 23 फरवरी तक इसका लगभग उद्घाटन होना तय है। अभी उद्घाटन नहीं है, और पब्लिक का सुविधा के लिए और एक टेक्निकल का सुविधा के लिए उन लोग जो काम करने वाला का उनका कुछ कुछ चीज़ है टेक्निकल पार्ट में, कुछ कुछ चीज़ इधर उधर करने का उन लोग उसको रे छोटा छोटा गाड़ी को जो काम करेगा बोल के इसको खुला गया है। और ये जो है 23 फरवरी तक इसका उद्घाटन होना चाहिए मेरा ख्याल।